कॉलेज के बाद कबीर को बंगलुरु में नौकरी मिल गई और वह वहां चला गया। इस बात को 3 साल होने को आए थे। कॉलेज के साथ बहुत कुछ पीछे छूट गया था, यार दोस्त, मस्करापंती और एक वो चेहरा जो उसकी रूह तक उतर चुका था। लेकिन उन दिनों की कुछ यादें आज भी साथ थी और साथ था एक दर्द। क्यों एक गुंजन जैसा नहीं बन पाया, एक ग्लानी कि वह लाख कोशिशों के बाद भी क्यों उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाया। एक कश्मकश, यह प्यार था या फिर उसकी वंचना, यह चाहे जो भी था, लेकिन वास्तविकता यही थी कि वह खुद इसे लेकर आश्वस्त नहीं था। वह जानता था तो सिर्फ इतना कि 3 सालों में वह उसे कभी नहीं भुला पाया, या फिर शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यादों का भी अपना एक नशा होता है। मेरे अपने प्यारे अजीज दोस्त, मुझसे बड़े विनीत बंसल की गिनती किताबों की, उनके द्वारा लिखी गई उनके संकलन, उनमें एक बड़ी चुनिंदा किताब है मेरे लिए, इंतजार आज भी है, और इसको लेके मैं चाहूंगा कि एक कविता भी आपसे बांटूं, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया अभी इसी किताब की एक कहानी से, 4 कहानियां हैं इसमें, उन 4 कहानियों के किरदार माधव, मीरा, सूरज, कविता, उति, दिनेश और मेरे पसंदीदा गुंजन और कबीर, जिनकी कहानी से मैंने आपको कुछ ऐसा सुनाया भी। कि तुम्हें शायद ही याद हो, शायद इसलिए क्योंकि इन बीते बरसों ने मेरी यादों की जमीन पर एक दर्द सी जमा दी है। हो सकता है कि तुम्हारे वहां भी हवा का तेज झोंका ना आया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ हमारी वो छोटी सी बहस, जब तुम लाई थी मेरे भेजे खत एक सफेद लिफाफे में बांधकर, मेरे लफ्ज मेरी ही आवाज में सुनने के लिए। हल्की सी गांठ लगी दिखी थी मुझे, मैंने तुम्हारे हाथों से छीनना चाहा था बस यूं ही। जब हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाया तो वो गांठ और सख्त हो गई थी। तुम्हारे लाख कहने पर भी मैं वो गांठ ना खोल पाया था, ना बता पाया था उसकी वजह। तुम नाराज हो गई थी, तुम तो आज भी नाराज हो कि आपको ये समझ नहीं आया मुझे बंधन बांधना आता, बंधन खोलना ना पहले आता था ना इन बीते बरसों में सीख पाया। कुछ ऐसी सी बात मुझे इन किताब के उन पन्नों में मिली जो जब पढ़ने शुरू किए तो पढ़ते ही गए। विनीत बंसल पल्प फिक्शन लिखने वाले या रोमांटिक कहानियां लिखने वाले लेखक नहीं कहे जा सकते। जब मैं इस किताब का हवाला देता हूँ आपको, इंतजार कुछ वैसा सा लगता है जैसे कहते हैं कि प्यार पीपल के बीज की तरह होता है, वक्त की दौड़ धूप में छट जाता है, कभी काट दिया जाता है, मगर फिर भी ये बीज फिर से पना पाता है जब आप देखते हैं उसी माहौल को या उन्हीं लोगों को। और ये प्यार केवल मात्र पाने में सीमित नहीं है, ना ही खोने में सीमित है, ये तो उसको एक अलग तरह से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेने में। 4 कहानियां वही बात कहती है। मुझे गुंजन कबीर की कहानी, माधव मीरा की कहानी और दिनेश की कहानी, या कहीं सूरज और कविता की कहानी भी बड़ी अच्छी लगी, और लगा कि ये कहानियां पढ़ के एक मैच्योर लव कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि किस तरह से हम रिश्तों से दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपसे गुजारिश भी है कि जब आप इंतजार आज भी है का ये रिव्यू देखें, और तो विनीत बंसल के लिए या मेरे लिए या हम में से किसी और के लिए भी, इस किताब को पढ़ने की कोशिश ना करें। इसको पढ़ें तो अपने लिए पढ़ें और उन लोगों के लिए पढ़ें जो शायद आपकी जिंदगी में इस कहानी के कुछ किरदारों से मिलते जुलते हो। और बड़ी मजे की बात है कि इसमें मुमूर्थल भी है, इसमें पटपड़गंज भी है, इसमें करनाल भी है, इसमें वो तमाम जगह मिल जाती है, मुझे तो मिली जिन जगह पे हम लोग मस्ती करते हैं, इसमें खाने की बातें भी हैं और इसमें हिलाने वाली बातें भी हैं, आपको दुख नहीं होता है जब आप शायद कहानी पूरी करते हैं। आई रिकमेंड दिस बुक नॉट फॉर रीडिंग, आई रिकमेंड दिस बुक टू यू टू फील कहानियाँ लिखी कैसे जाती हैं और मोहब्बत की बात को एक इतने लाइट वेट तरीके से, इतने हल्के तरीके से कहा जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन फिर भी उन फीलिंग्स का वजन बिल्कुल भी कम ना होने दिया जाए, ऐसा मेरे भाई मेरे दोस्त विनीत बंसल ने इसमें किया है। और आप एक पॉपुलर बेस्ट सेलर लेखक हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि आप फिर भी उन चीज़ों से बचे हुए हैं जो चीज़ें आपको इमोशन से दूर लेके जाती हैं। द प्राइमरी फीचर, जो खास बात इनकी किताबों की है, वो है इमोशंस, प्यार मोहब्बत, साथ किस तरह से निभाया जाए, किस तरह से संजो के रखा जाए। गुलजार साहब की वो कंपनी आपके लिए।
जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, जागे हैं देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो, कि आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से ख्वाब बन दो, एक बार फिर से ख्वाब बन दो। उम्मीद की इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो पन्नों को पलटते हुए जो जायका आएगा ना आपकी जबान पर, वो मोहब्बत का जायका होगा, वो कहानियों का जायका होगा, वो रिश्तों का जायका होगा। तो आप पढ़ें। आई विश कि मेरे जानने वाले, मेरे स्टूडेंट्स भी और जो लोग युवा हैं या वो किसी भी उम्र के हैं मगर दिल से किसी को समझ है प्यार की या समझना चाहता है, वो इस किताब को जरूर पढ़ें। ऑल द बेस्ट टू विनीत वत्सल।